हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए आज मैं फिर से ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप जिन्हें अपनाओगे अपनी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा आपका समय बच जाएगा और आपका जो काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है वो फटाफट से हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स थोड़ी सी भी पसंद लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना फैमिली दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इस टिप्सों का थोड़ा सा लाभ मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप्स के साथ। तो ये देख लीजिए, आटा, आटा तो हर घर में होता ही है, मगर क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा आटा पिसवा के रख लेते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आटा ख़राब ना हो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपका आटा बहुत समय के लिए चलेगा, बिल्कुल भी कीड़े वीड़े नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए लेना है आप लोगों को आधी चम्मच नमक और पूरे आटे में मिला देना। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे, खासकर गर्मी के समय में। गर्मी के समय में आटा हो, दालें हो, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस तरीके से आपको मिला देना है, बिल्कुल भी इसमें कीड़े वीड़े नहीं पड़ेंगे। चाहे आप इसको एक साल तक रखिए फिर भी। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, वो भी के बहुत काम की है। तो नेक्स्ट टिप से हमारे इस तरीके से तेल की बॉटल को लेके, क्योंकि अगर हम किचन में काम करते हैं तो बहुत सारी तेल की बॉटल, कोई सरसों का तेल रिफाइंड, इस तरीके से बॉटल में भरा रहता है और इस तरीके से उसके नीचे तेल का थोड़ा बहुत दाग धब्बा तो लग ही जाता है, तेल की बॉटल होती है। तो आपको मैं एक एक ऐसी चीज़ बताती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी तेल नहीं गिरेगा और आपका जो प्लेटफॉर्म है किचन का वो पूरा क्लीन रहेगा। तो ऐसे अक्सर डिब्बों के साथ ढक्कन आते ही रहते हैं, क्योंकि मार्केट से हम कोई भी चीज़ मंगाते खाने पीने की तो इस तरीके के डिब्बे में आती है। तो उसके ढक्कन का आपको यूज़ करना, इस तरीके से साइड में रखना है। इससे क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत तेल गिरेगा अभी तो ढक्कन के ऊपर गिरेगा, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं गिरेगा, जिससे कि आपका प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी देखो, कभी कभी क्या, हर घर में मिक्सी होती है, एक दो दिन छोड़ के हमें कुछ ना कुछ चटनी मसाला कुछ ना कुछ पीसना ही होता है। तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो धार होती है, यानी कि जो ब्लेड की धार होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, यानी कि वो धार ख़त्म हो जाती है एक तरह से, जिसको मसाला पीसने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप लोगों को एक ऐसी टिप्स बताती हूँ जिससे कि ये धार फटाफट से हो जाएगी घर पे ही, हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बताते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरीके से इसकी धार लगानी है घर पर ही। तो हमको लेना है थोड़ा सा नमक, करीबन एक चम्मच आपको नमक लेना है, पिसा हुआ नमक लेना है, खड़ा नहीं लेना है, पिसा हुआ नमक लेना है। फिर आपको उस तरीके से, चाहे मिक्सी का जार हो या फिर आपका ब्लेंडर की इस तरीके से छोटा वाला जार हो, उसमें इस तरीके से नमक डाल देना है और उसको करीबन बंद करके एक मिनट के लिए चला देना है, एक मिनट के लिए चला देना है और फिर उसके बाद उसको निकाल लेना है। इससे क्या होगा, नमक से ब्लेड का धार एकदम तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। मैं तो हमेशा इसी टिप्स का यूज़ करती हूँ, जब कभी भी इसकी धार ख़त्म हो जाती है तो मैं इसी तरीके का यूज़ करती हूँ। फिर इसके नमक का भी आप यूज़ कर सकते हो, ये नमक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, आप दोबारा से इसको खाने में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो ब्लेड है बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की, और वो भी बहुत काम की है। तो हम लेते हैं एक शैम्पू के पाउच को, और अब इसका क्या करने वाले वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमको लेनी है एक सुई, इस तरीके से बिल्कुल बारीक वाली सुई चाहिए, और इस तरीके से ज़्यादा नहीं, दो तीन ही छेद करने हैं इस तरीके से हमें इस पाउच में। तो ये मैं कर क्या रही हूँ वो अभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कर क्या रही हूँ, इससे होगा क्या। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से करके थोड़े थोड़े छेद करके, और फिर इसको इसी धागे से हम टांगना है मुझे, तो इसी धागे से हम इसमें इस हॉल करके इस तरीके से इसको धागा निकाल देंगे, जिससे कि बांधने के लिए हो जाएगा इसमें। तो चलिए गांठ लगाते हैं, फिर इसको बांधते हैं। तो कहाँ बांधना है, क्या करना है, वो अभी आप लोगों को पता चलता रहेगा। बस एक ही बात आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आपके थोड़े से भी काम आती हैं टिप्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, हमने इसको टांगने वाला बना लिया है, तो अब हम इसको टांगेंगे नल पे इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पे आप किचन में बर्तन धोते हैं ना, वहाँ पे नल पे इस तरीके से टांगेंगे इसको। और क्यों टांगेंगे, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इसलिए टांगेंगे क्योंकि अक्सर जब हम बर्तन धोते हैं ना यहाँ पर, तो उसके बाद हम हाथ धोते हैं, हाथ धोने के लिए हमारे पास कोई साबुन वाबुन नहीं होता है यहाँ पर, जिससे कि हम अपने हाथ धो सकें। तो आप क्या करिए, बर्तन वर्तन धोने के बाद इस पाउच को इस तरीके से थोड़ा सा दबाएंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू निकलता रहेगा
और आप अपने हाथ इजीली धो सकते हो इस तरीके से। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पिछली वाली शैम्पू ख़त्म हो गई थी इसलिए दूसरी टांग रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ जिससे कि आप भी इस टिप्स का यूज़ कर सको। तो जब कभी बर्तन धोने के बाद आप अपने हाथ धो तो इस शैम्पू से धो सकते, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आप लोग पता ना कैसी लगे आप लोगों को हमारी टिप्स, अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और चलिए पढ़ते हैं मेन टिप्स की ओर। तो हमारी जो मेन टिप्स है, एक और टिप्स है, तो ये है धनिया के डंठल। अक्सर हम इसे फेंक देते हैं या फिर भूल जाते हैं, हम इनकी पत्तियों का यूज़ कर लेते हैं सब्जी या किसी खाने में, लेकिन इन डंठलों को फेंक देते हैं। लेकिन आप लोगों को आज मैं ऐसी दो टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप इन डंठलों का भी यूज़ कर सकते हो। तो किस तरीके से, तो चलिए बताते हैं। पहला टिप्स ये है कि आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हो यानी कि कढ़ी बनाते हो या फिर दाल बनाते हो, तो इसके जो पत्ते के अकॉर्डिंग इसका जो डंठल, इसमें ज़्यादा खुशबू आती है धनिए की। तो आप एक काम करिएगा, इन डंठलों को यूज़ कर सकते हो। जैसे सब्जी आपने बनाई फिर आपने उसमें डाल दिया, और उसके बाद जब सब्जी पक गई उसके बाद इन डंठलों को निकाल दिया, इससे सब्जी में इतनी ज़्यादा खुशबू आ रहेगी, इतनी ज़्यादा खुशबू आएगी जितनी कि धनिया के पत्ते डालने पर नहीं आती है। और दूसरा टिप्स भी बता देती हूँ कि आप एक काम करिएगा, इन डंठलों को सुखा लीजिएगा, सुखा कर इनका पाउडर बना लीजिएगा, फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालने पर भी बहुत ज़्यादा सुगंध आती है इन डंठलों की। मैं तो हमेशा ऐसे ही यूज़ करती हूँ, आप लोग नहीं करते हो तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट होने वाला। तो अब आप लोगों को बताती हूँ कि हमें थाली को क्यों रखना है गैस के ऊपर था गैस चलाकर। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको कहीं भी नहीं मिली होगी पूरी यूट्यूब में, जिससे कि आपका काम इतना आसान होने वाला फटाफट से। तो चलिए बताती हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले एक बात सुन लो, आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है एक लाइक ज़रूर कर दो। आप वीडियो देखते देखते तो यहाँ तक आ गए मगर एक लाइक करना भूल गए, तो चलिए लाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए सुनो फटाफट से मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो ये देख लीजिए क्या होता है, जब कभी हम दूध गर्म करने के लिए रखते हैं या फिर चाय बनाते हैं या फिर चावल उबालते हैं, कोई भी चीज़ जो पतली होती है वो हम बनाते हैं भगोनी में, तो क्या होता है। तो अभी चलो दिखाते हैं आप लोगों को, इस तरीके से चाय बनाते हैं या फिर दूध बनाते गर्म करते हैं तो अक्सर वो निकल कर यहाँ से नीचे गिर जाता है, जिससे कि पूरा प्लेटफॉर्म ख़राब हो जाता है, दूध बहते बहते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ये तो हम लोगों को पता ही होगा। और उसको साफ़ करते करते हमें नानी याद आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दूध या फिर कोई भी चीज़ लिक्विड वाली फैल जाती है, प्लेटफॉर्म पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है इस तरीके की थाली को। तो जितनी बड़ी थाली है उतनी अच्छी रहेगी। तो आपको थाली को इस तरीके से जौन सी गैस का आप जौन से चूल्हे का आप यूज़ कर रहे हो ना, उसके चूल्हे के नीचे पूरे चूल्हे के नीचे आ जानी चाहिए। इस तरीके से थाली को नीचे रख देनी है और इस तरीके से देख लीजिए आपको दिख रही होगी, अब शायद अच्छे से इस तरीके से रख देनी है। और उसके बाद अगर यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ फैल के नीचे जाती भी है तो पूरी थाली में जाएगी, इधर उधर नहीं फैलेगी। जब काम ख़त्म हो जाए तो आप एक काम करिएगा, जब थाली को निकाल लीजिएगा और फिर उसको क्लीन कर लीजिएगा। हमको थाली मारने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जितना पूरा प्लेटफॉर्म साफ करने में होता है। तो चलिए अच्छा लगा तो क्लिक जरूर कर देना, मिलती हूँ ना स्टूडियो में।